सभी को मेरा नमस्कार। मैं सरिता हरियाणा से हूँ। एक बार फिर से आप सभी को लोक्वेस एप्लीकेशन की जानकारी दूंगी। आज की वीडियो में हम SHG कट ऑफ एंट्री करेंगे। मैंने पहले भी कट ऑफ एंट्री की वीडियो यूट्यूब पे अपलोड की है। आज मैं हिंदी भाषा में कट ऑफ की एंट्री करके आपको दिखाऊंगी। पहले लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं। हिंदी मैंने किया है, हमारे सारे ही टाइप हिंदी भाषा में हो गए हैं। SHG की कट ऑफ एंट्री करने के लिए आपको सभी SHG की प्रोफाइल एंट्री करनी है, BPM तक भेजना है, वहाँ से SHG अप्रूव हो जाएंगे। मैं एक बार SHG पे क्लिक कर रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ। मैंने कुछ SHG को लॉक किया है और जिसमें से कुछ SHG मेरे ऐसे हैं जो अप्रूव हो चुके हैं, जैसे कान्हा SHG है एंड महक SHG है। महक SHG की कट ऑफ एंट्री हम करेंगे, जिसके लिए हमें बैक जाना है और मेरी बैठक पर क्लिक करना है। मेरी बैठक पर क्लिक करेंगे, यहाँ महक SHG है, महक SHG के 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। यहाँ ड्रॉपडाउन से कुछ ऑप्शन हमारे सामने आए हैं, बैठक उत्पन्न करना, शुरू करें। यहाँ से क्लिक करके हम कट ऑफ एंट्री करना शुरू कर सकते हैं। मीटिंग संपादित करना, जब हम मीटिंग करते करते बैक हो जाएं या पेज से बाहर आ जाएं तो मीटिंग यहां से दोबारा से वहीं जाकर शुरू की जा सकती है, मतलब एडिट मीटिंग को किया जा सकता है। मीटिंग देखें, जो मीटिंग की एंट्री हम कर लेंगे इस बटन से मीटिंग को देखा जा सकता है। क्यू स्थिति देखें, यहां से हम मीटिंग का क्यू स्टेटस चेक कर सकते हैं जब हम मीटिंग को अपलोड करेंगे। स्वीकृति स्थिति देखें, हम मीटिंग को अपलोड करेंगे तो वहाँ से अप्रूव या रिजेक्ट होगी, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारी मीटिंग अप्रूव हुई है रिजेक्ट हुई है। डाउनलोड मीटिंग, अगर किसी SHG की मीटिंग कभी डाली होगी, अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप मीटिंग को डाउनलोड कर सकते हैं। स्वीकृति स्थिति डाउनलोड करें, जब हमारी मीटिंग स्वीकार हो जाएगी मतलब अप्रूव हो जाएगी तो यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम मीटिंग शुरू करने जा रहे हैं, कट ऑफ एंट्री शुरू करने जा रहे हैं, उसके लिए हमें बैठक उत्पन्न करें पर क्लिक करना है। हम कट ऑफ पेज पे आ गए हैं। यहाँ समूह का नाम आपको दिखेगा, महक महिला SHG, कोड और फॉर्मेशन डेट SHG की दिखाई दे रही है, यहाँ मेंबर की संख्या दिखाई दे रही है, अंतिम बैठक नंबर और अंतिम बैठक दिनांक यहाँ खाली आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तक इस SHG की कोई भी कट ऑफ एंट्री या रेगुलर मीटिंग की एंट्री नहीं की गई है, मासिक लेन देन की एंट्री नहीं की गई है। हम यहाँ पे नई मीटिंग नंबर, नई बैठक नंबर हमें देना है। ये बैठक नंबर हमें समूह जिस दिन बना था उस दिन से लेकर, और अभी अगस्त महीना चल रहा है, अगस्त से एक महीना पीछे जाएंगे जुलाई तक, जुलाई की लास्ट मीटिंग नंबर हमें यहाँ पर डालना है। इस SHG की लास्ट मीटिंग 200 थी, नंबर 200 था मीटिंग का, और जो मीटिंग डेट थी वो जुलाई महीने की मैं ले रही हूँ, वो इसीलिए ले रही हूँ ताकि जुलाई महीने तक हम समरी, शुरू से लेकर जुलाई महीने तक का समरी, मतलब कितनी बचत हुई है, कितना लेन देन हुआ है, कितना लोन क्लोज कर चुके हैं, कितना लोन चल रहा है, वो सारी समरी हम जुलाई तक की डालेंगे और अगस्त माह की हम मासिक लेन देन वाली, रेगुलर मीटिंग जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो वाली एंट्री हम करेंगे। तो इसीलिए मैं जुलाई की लास्ट मीटिंग नंबर ले रही हूँ और 26 जुलाई को इस SHG की लास्ट मीटिंग हुई थी और जिसकी संख्या थी 200। हमें उत्पन्न करें और खोलें पर क्लिक करना है। क्या आप कट ऑफ मीटिंग शुरू करना चाहते हैं? हम हाँ पे क्लिक करेंगे क्योंकि हम कट ऑफ एंट्री करेंगे। कट ऑफ मतलब पूरी समरी। हम पेज पे आ गए हैं, कट ऑफ पे महक महिला SHG 26/7/2023 यहाँ डेट आ गई है। पहले फॉर्मेशन डेट दिखी थी, अब ये डेट दिख रही है। अब फॉर्मेशन से लेकर इस डेट तक की एंट्री हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ सदस्य लेन देन है और यहाँ समूह लेन देन है। सबसे पहले हम सदस्य लेन देन भरेंगे और उपस्थिति पे क्लिक करेंगे। उपस्थिति मतलब बैठक में जितने मेंबर आए हैं, कितनी बार आए हैं। जैसे 200 बैठक इस SHG की हो चुकी हैं
200 बैठक में कौन कौन सा सदस्य कितनी कितनी बार आया है। जैसे बीरो देवी है, ये 200 मीटिंग में से 195 बार मीटिंग में आई हैं। गीता 193 बार आई हैं। ये हमें रजिस्टर के पहले पेज से ही मिल जाएगा। सामान्य लेजर का जो पहला पेज होता है वो बैठक की उपस्थिति और बचत का विवरण होता है, तो उसी पेज से आपको ये जानकारी मिल जाएगी। सभी सदस्यों की आपको एंट्री करनी है एक एक करके। मैं एंट्री कर लेती हूँ। मैंने सभी की उपस्थिति की एंट्री कर ली है। सहजे पर क्लिक करेंगे, डेटा सफलतापूर्वक सहजा गया है, ठीक है, पे क्लिक करेंगे। आगे चलते हैं। बैक बटन यूज करके हम चेक करेंगे कि हमारी उपस्थिति की एंट्री हुई है या नहीं हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ उपस्थिति की एंट्री हो चुकी है। अगले टैब पे चलते हैं जो है सदस्य बचत का टैब। क्लिक किया है। गठन दिनांक से लेकर 26/7/2023 तक हर सदस्य की कितनी बचत हो चुकी है उसकी एंट्री हमें करनी है। हमने रजिस्टर में देखा हर सदस्य की 8-8 हज़ार रुपये बचत हो चुकी है। सभी की हमें एंट्री करनी है। अगर किसी की कम ज़्यादा हो तो आपको कम ज़्यादा एंट्री करनी है। जैसे मान लेते हैं एक सदस्य की इतनी बचत है तो मैंने 7,900 एंट्री किया है। इसी तरह सभी सदस्यों की एंट्री करनी है। सभी सदस्यों की बचत की एंट्री हो चुकी है। हम सहजे पर क्लिक करेंगे, डेटा सफलतापूर्वक सहजा गया है, ठीक है, पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आपको बचत का कुल भी साथ साथ मिलता रहेगा। जब कट ऑफ का पेज आप तैयार करेंगे उसमें अपने टोटल को ज़रूर मैच करें कि हमारा जो यहाँ पे एंट्री किया हुआ टोटल है और हमारे पेज में जो कट ऑफ में टोटल हुआ है वो सेम है या नहीं। क्योंकि हो सकता है कुछ डिजिट्स भरने में, मतलब कुछ अंक भरने में हमसे गलती हो जाए, तो आप यहाँ पे मैच करें कि हमारा टोटल सही है या नहीं। मेरा सही है, मैं सहजे पर क्लिक कर रही हूँ। और बैक जाके चेक करेंगे कि हमारी सेविंग की एंट्री हुई है या नहीं हुई है। हमारी बचत की एंट्री हो चुकी है। अब हम चलते हैं सदस्य बंद ऋण पर। मैंने क्लिक किया है। यहाँ आपको उन ऋणों की एंट्री करनी है जो पूरे हो चुके हैं। हमें गिनती करनी है कि किस सदस्य ने कितनी बार ऋण लिया है, एक बार, दो बार, चार बार, सारे ऋणों की गिनती करनी है और सारे ऋणों की राशि को भी टोटल करना है। जैसे पहली बार 2,000 लिए, फिर से 2,000 लिए, फिर 5,000 लिए, ऐसे करके उनका सबका टोटल करना है और उसकी एंट्री आपको करनी है। जैसे बीरो ने 4 बार ऋण लिया है और जो टोटल राशि है 48,000 रुपये की है, तो मैंने वही भरा है। गीता ने 3 बार लिया है और 60,000 रुपये ये 3 बार में ले चुकी हैं। हर सदस्य की इसी तरह आपको क्लोज ऋण की एंट्री करनी है। मैंने सभी सदस्यों के क्लोज ऋण की एंट्री कर दी है। जितनी जितनी राशि सदस्यों ने ली है और जितनी जितनी बार ऋण लिया है, कुल जो ऋण है जो बंद हो चुके हैं वो 28 हैं और 5,43,000 की राशि है। सहजे पर क्लिक करेंगे, डेटा सफलतापूर्वक सहजा गया है, ठीक है, पे क्लिक करेंगे। और बैक जाके चेक करेंगे कि एंट्री हुई है या नहीं हुई है। हमारे सदस्य बंद ऋण की एंट्री हो चुकी है। अब है सक्रिय ऋण। सदस्यों पे जो ऋण चल रहे हैं उनकी एंट्री हमें करनी है। सदस्य सक्रिय ऋण पर ही क्लिक करना है। सारे सदस्यों के नाम आपको दिखाई देंगे। हम मान लेते हैं बीरो का ऋण चल रहा है। यहाँ पे बीरो पे क्लिक किया है और एडिट बटन पे क्लिक करेंगे। सदस्य का नाम आ गया है और इनके पति का नाम भी। लोन नंबर 28 हमारे बंद हो चुके हैं और लोन नंबर में 29 आया है। 29वां ऋण हमारा चल रहा है। वित्तीय ऋण राशि, जितना ऋण सदस्य ने लिया है उसकी राशि हमें डालनी है, 20,000 रुपये। ऋण श्रेणी, श्रेणी चुननी है हमें, चुने कि खपत के लिए लिया है, कृषि के लिए, पशुधन, और बहुत सारे ऑप्शन आपको ड्रॉपडाउन में मिल जाएंगे, गैर कृषि, NTFP, और इनमें से जिस भी कारण के लिए सदस्य ने ऋण लिया है आप चुन सकते हैं। यहाँ बीरो ने खपत के लिए लिया है। ऋण उद्देश्य, यहाँ ड्रॉपडाउन में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप पढ़ सकते हैं। इन्होंने पुराना कर्ज चुकाने के लिए ऋण लिया है तो मैंने वही प्रकार चुना है। निधि प्रकार, कॉर्पस,
कॉर्पस जो अपना पैसा होता है, हमारी बचत को मिला के, हमारे आपसी लेन देन के ब्याज को मिला के, RF को मिला के, जो समूह का अपना कॉर्पस होता है उसमें से ये ऋण दिया गया है। ऋण वितरण दिनांक, ये आपको आज का दिनांक दिखाई देगा जिस दिन मीटिंग हम भर रहे हैं, 26/7/2023 का दिनांक दिखाई देगा। इसको आप पीछे तक लेकर जा सकते हैं, जिस डेट की आप मीटिंग भर रहे होंगे, समरी जिस डेट तक बना रहे होंगे वही डेट आपको यहाँ दिखाई देगी, 26 जुलाई 2023 दिखाई दे रहा है। ये ऋण अप्रैल माह में गया है, 1 अप्रैल को, वही डेट मैंने चुनी है, 1 अप्रैल 2023 यहाँ पे आ गया है। ब्याज दर 12% वार्षिक है। भुगतान का तरीका, सदस्य को नगद ये ऋण दिया गया था। अगर आप बैंक में चुनते हैं तो बैंक भी चुन सकते हैं, बैंक का नाम आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा और किस चेक संख्या से या ट्रांजैक्शन नंबर से ये ऋण दिया गया है वो भरना होगा। मूलधन पुनर्भुगतान, 20,000 में से कितना मूलधन वापस आ चुका है, मैंने रजिस्टर से देखा 10,000 रुपये वापस आ चुका है। बकाया मूलधन कितना बचा है, 10,000 यहाँ पे अपने आप आ गया है। अतिदेय, अगर कोई किस्त विलंबित हो गई है तो आपको यहाँ पे राशि भरनी है, हमारा कोई विलंबित राशि नहीं है तो इसलिए मैं 0 डाल रही हूँ, और हमारा ब्याज भी विलंबित नहीं है तो मैंने 0 ही एंट्री किया है। कुल अतिदेय 0 आ गया है। शेष अवधि महीनों में, ये ऋण कितने महीने के लिए दिया गया था और अब कितने महीने बचे हुए हैं, हमारा 20 महीने के लिए दिया गया था, 10 महीने पूरे हो चुके हैं और 10 बचे हुए हैं, और किस्त की राशि जैसे ही आप शेष अवधि भरेंगे किस्त की राशि अपने आप आ जाएगी। ऋण भुगतान आवृत्ति मासिक है, हम सहजे पर क्लिक करेंगे। क्या आप EMI शेड्यूल बदलना चाहते हैं, अगर हम यस करते हैं तो हमें EMI शेड्यूल दिखाई देगा, मतलब जो हम व्यक्तिगत पासबुक में सदस्यों को ऋण भर कर देते हैं, हर महीने उसकी एंट्री करते हैं और जब ऋण दिया जाता है तो पूरा विवरण बनाकर दिया जाता है, वो आपको दिखाई देगा। इसको आप सहजे कर सकते हैं, सहजे से पहले अगर आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा और आप इसको शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या इसका प्रिंट निकलवा कर भी आप सदस्य को दे सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करने से ये शेयर हो जाएगा। हम बैक चलते हैं और मैं इसको सहजे पर क्लिक कर रही हूँ, डेटा सफलतापूर्वक सहजा गया है, ठीक है पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आपको सभी सदस्यों के एक्टिव लोन की एंट्री करनी है, अगर एक सदस्य पे 2 ऋण भी चल रहे हैं तो भी आप आसानी से एंट्री कर सकते हैं। बैक जाएंगे, यहाँ आपको प्लस बटन दिखाई देगा, नाम आपको सभी सदस्यों के एक एक बार दिखाई देंगे, तो एक एक ऋण की एंट्री तो आप यहीं से कर लेंगे हर सदस्य की, लेकिन अगर आपको बीरो पे ही दूसरा ऋण भी डालना है तो प्लस बटन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे सदस्य का नाम चुनना होगा, तो आप आसानी से किसी भी सदस्य का दूसरा ऋण एंट्री कर सकते हैं। बैक चलते हैं, आगे की एंट्री करेंगे, इसी तरह आपको सभी सदस्यों की एंट्री करनी है। सदस्य प्राप्ति, सदस्य से अगर किसी तरह की कोई प्राप्ति हुई है तो आपको यहाँ पे एंट्री करनी है, प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, सदस्य आ गया है वीरो। प्राप्ति प्रकार, शेयर पूंजी, अन्य बचत, सदस्य द्वारा योगदान, सदस्यता शुल्क, सदस्य योगदान, प्रवेश शुल्क या पेनल्टी, जुर्माना जिसको हम बोलते हैं, अगर किसी ने जुर्माना दिया है तो हम उसकी एंट्री कर सकते हैं। मान लेते हैं 10,000 रुपये नगद भुगतान इन्होंने किया है, डेटा सफलतापूर्वक सहजा गया है। इस तरह से आप सदस्य प्राप्ति की एंट्री कर सकते हैं। फिर है सदस्य भुगतान, सदस्य भुगतान पे क्लिक करेंगे, अगर सदस्य को समूह की तरफ से कोई भुगतान किया गया है तो उसकी एंट्री कर सकते हैं, प्लस बटन पे क्लिक करेंगे। मान लो लाभांश भुगतान किया गया है, 100 रुपये दिए गए हैं और नगद ही ये राशि दी गई है, तो हम सहजे पे क्लिक करेंगे, डेटा सफलतापूर्वक सहजा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सदस्य भुगतान की एंट्री हमने कर ली है।
उसके बाद है समूह लेन देन। ये सारी एंट्री हमने सदस्य लेवल पे की है, अब हम समूह लेन देन का विवरण भरेंगे। समूह की निवेश राशि, निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट करना, प्लस बटन पे क्लिक करेंगे और समूह निवेश कर सकता है। वीओ में करते हैं हम कंपलसरी सेविंग के रूप में, जो 100-100 रुपये पर SHG समूह ग्राम संगठन में बचत दी जाती है वो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, निवेश होता है। प्रकार अनिवार्य बचत हम देते हैं और राशि आप इसमें भर सकते हैं। मैंने 2000 रुपये भरा है, सहजे पर क्लिक करेंगे। ग्राम संगठन में 2000 रुपये महक महिला SHG के द्वारा बचत दी गई है। उसके बाद है समूह बंद ऋण, समूह ने कितने ऋण लेकर पूरे कर दिए हैं। जैसे हमें बैंक से CCL मिलता है और ग्राम संगठन से CIF मिलता है, तो हमने कितनी बार CCL लेकर पूरा कर दिया है और कितनी बार CIF लेकर पूरा कर दिया है, उसकी एंट्री हमें करनी है, जिसके लिए प्लस बटन पर क्लिक करना है। ऋण स्रोत VO, संस्था का नाम मतलब नाम देना है ग्राम संगठन का, या फिर बैंक अगर आप चुनते हैं तो बैंक का नाम। CIF मैं ले रही हूं यहां पे। आपको बहुत सारे ऑप्शन ड्रॉप डाउन में मिलेंगे। सामुदायिक निवेश फंड हमारा CIF होता है, तो मैं यहां पे निवेश फंड लिया है। मैंने 2 ऋण पूरे कर चुके हैं और उसकी दोनों की राशि आपको यहाँ पे भरनी है। तो 1,00,000 रुपये, 50,000 रुपये 2 बार लिए गए हैं, तो वो पूरा कर चुके हैं। सहजे पर क्लिक करेंगे, डेटा सफलतापूर्वक सहजा गया है। VO में हम 2 ऋण पूरे कर चुके हैं। अब हम बैंक की एंट्री कर लेते हैं। इसी तरह से आपको बैंक चुनना है, बैंक का नाम, बैंक ऋण एंड संख्या 1 और 1,00,000 रुपये की राशि, 1,00,000 रुपये की राशि हम लेकर पूरा कर चुके हैं। सहजे पर क्लिक करेंगे, डेटा सफलतापूर्वक सहजा गया है। बैक चलते हैं। उसके बाद है समूह सक्रिय ऋण। यहाँ पे आपको जो ऋण चल रहे हैं समूह के, CIF हो सकता है या बैंक ऋण हो सकता है, उसकी आपको एंट्री करनी है। अगर आप CIF की एंट्री करना चाहते हैं तो सावधि ऋण होता है जिसको टर्म लोन बोला जाता है, और CCL CC लिमिट होता है जिसको हम बार बार निकाल सकते हैं, फिर से जमा करवा सकते हैं। और सावधि ऋण वो होता है जिसको हम सिर्फ एक बार लेते हैं और उसको किस्तों में पूरा कर देते हैं, उसी ऋण से हम दोबारा पैसे नहीं निकाल सकते। तो हम सावधि ऋण की एंट्री कर रहे हैं, VO में ले रही हूँ, संस्था का नाम, खाता संख्या देनी होगी ग्राम संगठन की, निधि प्रकार ये TL होता है, टर्म लोन होता है, ऋण वितरण दिनांक, ये कट ऑफ दिनांक ही आपको यहाँ दिखाई देगा, पीछे तक जा सकते हैं। मान लेते हैं 1 दिसंबर को दिया गया था। भुगतान का प्रकार, ब्याज दर 9% यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि हमें ग्राम संगठन से 9% पर ही ऋण मिलता है। अगर आपको 12% पे मिला है तो आप इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। प्राप्त राशि, हमने 1,00,000 रुपये ऋण लिया है। मूल अवधि महीनों में, कितने महीने के लिए लिया था, 20 महीने। कुल बकाया अवधि मान लेते हैं 10 महीने बचे हुए हैं। मूलधन 1,00,000 में से 50,000 रुपये पे हो चुके हैं, बकाया मूलधन 50,000 रुपये आ गया है। अतिदेय मतलब विलंबित राशि कुछ नहीं है।
और ऋण वापसी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति मासिक है। सहजें पर क्लिक करेंगे। क्या आप ईएमआई शेड्यूल बदलना चाहते हैं? यस पे क्लिक करने से हमें ईएमआई शेड्यूल देखने को मिलेगा। इसको डाउनलोड किया जा सकता है, शेयर किया जा सकता है। सहजे पे क्लिक कर देंगे क्योंकि मैं पहले आपको डाउनलोड करके दिखा चुकी हूँ। बैक चलते हैं। यहाँ हमने एक्टिव लोन की एंट्री कर दी है। समूह प्राप्ति और आय, समूह को जो प्राप्ति हुई है या आय किसी तरह की हुई है उसकी एंट्री हम कर सकते हैं। हम मान लेते हैं SRLM। SRLM से हमें कुछ अनुदान मिला है। हम मान लेते हैं 1,000 रुपये। डेटा सफलतापूर्वक सहजा गया है। बैक चलते हैं। उसके बाद है समूह फंड प्राप्त। समूह को क्या क्या फंड मिले हैं, हमें RF मिलता है उसकी एंट्री कर लेते हैं। जो SRLM से मिलता है निधि का प्रकार, रिवॉल्विंग फंड, प्राप्ति की तिथि आपको कब प्राप्त हुआ है, 2021 को बैंक में मिला था। ट्रांजैक्शन नंबर देना होगा कि किस ट्रांजैक्शन या चेक नंबर आपको देना होगा। और कुल प्राप्त राशि हमें 15,000 रुपये RF के रूप में मिले हैं। सहजें पर क्लिक करेंगे। डेटा सफलतापूर्वक सहजा गया है। ठीक है पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर रिवॉल्विंग फंड की एंट्री हो चुकी है। अगर आपको और भी कोई फंड मिला है फिर से प्लस बटन पर क्लिक करें, फिर से आप एंट्री कर सकते हैं। समूह व्यय और भुगतान, समूह ने अगर कोई भुगतान किया है तो उसकी एंट्री आपको करनी है। जैसे हम बुक कीपर को पेमेंट दे देते हैं या कोई कैडर पेमेंट गया है तो उसका भुगतान हम कर सकते हैं। अन्य मैं कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे बुक कीपर को भुगतान किया गया है मैं मान लेती हूँ और 2,000 रुपये बुक कीपर को दिए गए हैं। सहजे पर क्लिक करेंगे। डेटा सफलतापूर्वक सहजा गया है। ठीक है पे क्लिक कर देंगे। अगर और कोई भुगतान आपने किया है तो उसकी एंट्री भी आप कर सकते हैं। समूह का नगद बकाया, आपके पास जो हाथ में राशि हो इस महीने तक, जुलाई 2023 तक हाथ में अगर आपके कोई राशि है तो आपको वो एंट्री करनी है। मेरे पास 500 रुपये हैं, मैंने एंट्री किया। सहजें ठीक है पे क्लिक करेंगे। अब है समूह का बैंक जमा, बैंक में जो जमा राशि है उसकी एंट्री आपको करनी है। बैंक पासबुक लेनी है और जुलाई 2023 तक कितनी राशि आपके बैंक में है, जमा है। मैंने देखा 15,000 रुपये हमारे बैंक खाते में हैं। सहजे पर क्लिक करेंगे। डेटा सफलतापूर्वक सहजा गया है। आप देख सकते हैं एंट्री आ गई है। यहाँ समूह लेन देन सारांश आप देख सकते हैं। यहाँ अनमैच्ड अमाउंट है, कुछ राशि हमारी है जो मैच नहीं कर रही है, 1,16,310 रुपये। सभी का विस्तार देखें, यहाँ पे आपको एंट्रियों का विस्तार मिल जाएगा, मतलब पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ संपत्ति है आपकी 27,500 रुपये। जो जो एंट्री हमने की है, सदस्य को ऋण, SHG द्वारा निवेश, देताएं हैं आपकी जो दायित्व जिसको बोलते हैं हम, सदस्य संगठनों को बचत, CBO के ऋण जो हमें वापस देने हैं, 50,000 का ऋण हमें वापस देना है, आय हमें हुई है 1,010 रुपये की। इस तरह से आप सारी जानकारी देख सकते हैं, जो जो जानकारी आप भरेंगे। बैक चलते हैं। सस्पेंस काउंट, यहाँ पे आपको वो राशि दिखेगी जो आपकी अनमैच्ड है। एक बार फिर से समूह लेन देन पर क्लिक करेंगे। ये जो राशि है वो आपके सस्पेंस अकाउंट में जाएगी। अगर हम इसको बिना भेजे मीटिंग को क्लोज करने की कोशिश करते हैं तो ये नहीं करने देगा। हमारी मीटिंग की लगभग सारी एंट्री हो चुकी है।
अगर मैं मीटिंग बंद करें पर क्लिक करती हूँ तो एक पॉपअप हमारे सामने होगा। यदि बैठक को बंद नहीं किया जा सकता क्योंकि संपत्ति इक्विटी प्लस देयताएं के बराबर नहीं है, जो हमारा हिसाब किताब है वो मैच नहीं कर रहा है, 116,000 रुपये माइनस में दिखाई दे रहा, हमारी राशि मैच नहीं हो रही, अनमैच्ड अमाउंट के रूप में हमारे पास पैसा है। तो हम यहाँ पे ठीक है पे क्लिक करते हैं और इस राशि को हमें ट्रांसफ़र करना होगा, यहीं पे क्लिक करके सस्पेंस खाते में स्थानांतरण करें, हाँ पे क्लिक करेंगे, ये राशि हमारी चली गई है। अब हम अगर मीटिंग को बंद करना चाहें तो हम मीटिंग को बंद कर सकते हैं। सस्पेंस अमाउंट में 116,310 रुपये आ गए हैं, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं ये डेबिट है, एसेट्स में आया है, ठीक है पे क्लिक करेंगे। अब अगर मीटिंग बंद करें पे क्लिक करेंगे तो ये आसानी से बंद हो जाएगा। क्या आप इस मीटिंग को वाकई बंद करना चाहते हैं? तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप समरी डाउनलोड कर सकते हैं। और समरी का भी प्रिंट लिया जा सकता है, 3 से 4 पेज की हमें समरी सीट मिल जाएगी। बैक चलते हैं, बंद की गई वह अनुमोदन के लिए भेजी गई, जो हम मीटिंग को क्लोज करेंगे उसको हम यहाँ से बंद करने के बाद अप्रूवल के लिए भेजेंगे। क्लिक करने के बाद हमारी मीटिंग अप्रूवर के पास सेंड कर दी गई है। आगे की जानकारी मैं अगली वीडियो में दूंगी। धन्यवाद।